बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि रौरे मन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आवेला। उसने में से आज हम जानकारी लेके आई, ये जानकारी बहुत जरूरी है। मकिल जानकारी लेकर आगे चलू हमारे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य पालक अब पा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ। अच्छे फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। अब राज्य में कृषकों की तरह ही मत्स्य पालक भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मिलने वाले ऋण का लाभ उठा पाएंगे। वैसे मत्स्य पालक जिनके पास तालाब, टंकी, खुले जल निकाय या हैचरी है या मछली पकड़ने संबंधी आवश्यक लाइसेंस है या स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह या महिला समूह से जुड़े मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेहतर फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जाँच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व के सही प्रतिशत मान का पता चलता है, साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। कृषक अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी की जांच निःशुल्क करा सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग दो प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी के स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से ही फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेतों में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरमन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवा कर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा।
राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। मशरूम की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है और किसानों का रुझान इस ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और कम जगह में अधिक से अधिक फायदा देने वाली मशरूम की खेती को किसान भाई तेजी से अपना रहे हैं। ऐसे ही किसान है पश्चिमी सिंहभूम नवा मुंडी जामपानी गांव के रहने वाले महेश पूर्ति जी ने मशरूम की खेती के साथ ही सब्जी और धान की जैविक खेती भी की है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के संक में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि के नए नए विकल्पों को तलाश रहे हैं। इसी क्रम में वहाँ पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के नवामुंडी प्रखंड के जामपानी गांव में, जहाँ पे हमारे साथ महेश पूर्ति नाम के कैसे किसान हैं जिन्होंने मशरूम की खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। ये मशरूम की खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ सब्जी की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, वो भी जैविक तरीके से खेती करते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि मशरूम की खेती का प्रशिक्षण कहाँ से लिए, इनके जीवन में कितना बदलाव आया और ये आसपास के किसानों के लिए किस रूप में प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। आइए हम महेश पूर्ति जी से जानने का काम करते हैं। सर, वो पहले तो TSRDS के पीके पर TSRDS और कंचन माला जी के भी के जगन्नाथपुर से वहाँ के मैडम से बात किए थे पहले। फिर वो प्रशिक्षण का समय तो हम गए नहीं, बाद में गए। तो फिर मैडम से डेली हम 4-5 दिन गए, फिर बात किए उनसे तो इस तरह का होगा। फिर हम उनसे कुछ बीज मंगवाए रांची से, वेस्टर्न मशरूम का 50 पीस मंगवाए थे। फिर अपने से बनाए, बना के देखे। फिर मैडम आपका वो ट्रेनिंग कर ली थी TSRDS या नौमंडी से, नौमंडी TSRDS पीके वर्मा बताए थे उनको। फिर हम KBK से भी कुछ प्रशिक्षण लिए, वहाँ ट्रेनिंग किए 3 दिवसीय का। फिर वहाँ पे बीज तो मंगाए मैडम से, फिर बनाए हम लोग शुरुआत। अभी 4 साल हो गई है हम लोग बना रहे हैं। फिर 2 साल पहले हम बोकारो पेटेर बार गए थे ट्रेनिंग करने, 11 दिन का वहाँ ट्रेनिंग कर लिए। फिर आए, फिर ये ओस्टर मशरूम का ही कर रहे हैं। अभी बीज तो हम भुवनेश्वर से मंगा लेते हैं। मतलब आपकी बहुत जगह से आपने प्रशिक्षण लिया, पेटेर बार भी गए हाँ। और यहाँ जमशेदपुर में भी आपने प्रशिक्षण लिया, तो मन में कैसे विचार है जमशेदपुर में मशरूम की खेती के बारे में कि आप मशरूम की खेती करें? कहीं कि हम देखें यहाँ पे हम लोग का मार्केट में मशरूम नहीं आती है। सब्जी तो हर हम लोग का साथी लोग सबको ही पहुँच जाता है बाजार, कभी सस्ता होता है कभी महंगा होता है। तो देखे मशरूम यहाँ पे हम लोग का कोई नहीं करते हैं। तो हम लोग 4 साल जब शुरू किए थे उस समय हम लोग 80 रुपये किलो में बेचते थे नौमंडी में। फिर धीरे धीरे करके अभी 120 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं मशरूम। महेश पूर्ति जी के गांव में साग सब्जियां तो आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन शुरू से ही महेश ने कुछ अलग करने का सोच रखा था। मशरूम की खेती इन्होंने बड़े स्तर पर शुरू की, धीरे धीरे मुनाफा बढ़ने लगा। आज इनका मशरूम झारखंड के साथ साथ कई प्रदेशों में पसंद किया जाता है। आज महेश मशरूम की बदौलत अच्छा आर्थिक लाभ कमा रहे हैं और अपने परिवार को कई गुना फायदा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, 120 रुपये किलो। हाँ, डेली सवेरे तोड़ के 7 बजे पहुंच जाते हैं, 2 घंटा का मार्केटिंग हो जाता है। आप पढ़ाई लिखाई कितने क्लास तक की? मैट्रिक पास करके छोड़ दिए सर हम। क्यों छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई? कि हम बड़ा लड़का अकेले हम घर में थे, पिताजी लोग उस समय ऊपर का शिकायत पड़ गया दोनों माँ और पिताजी को, लकवा पकड़ लिया उन दोनों को। फिर घर का स्थिति बहुत खराब हुआ हम लोग का। बाद में हम पढ़ाई छोड़ के उस समय तो मशरूम का खेती नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि उस समय कम उम्र था मेरा, तो हम ही बड़ा लड़का थे। तो फिर पिताजी दोनों का तबीयत खराब हुआ, हम पढ़ाई छोड़ के लास्ट में पिताजी का जो खेती बाड़ी का काम होता उस सहयोग किए। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके वो दुकान थोड़ा सा था, हम लोग का दुकान है, दुकान चलाते थे। फिर होलर मशीन है, होलर भी सीख लिए हम, धान मशीन जो है गांव वाले धान लाते हैं उसमें पिसाई करते हैं, उसी से आमदनी। फिर धीरे धीरे करके कुछ पैसा बना, फिर उसके बाद हम ट्रैक्टर ले लिए। पहले ट्रैक्टर लेके अपना जो गांव में जो
ईटा बालू होता उस सब में किए, फिर अपना खेती का भी काम होता था, फिर उसके बाद में इसी करके धीरे धीरे करके बढ़ गए। महेश ने यूं ही सफलता नहीं पाई। शुरुआती दिनों में महेश ने कई परेशानियों का सामना किया। मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद ही पारिवारिक कारणों के कारण इन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिवार की जिम्मेदारियां संभालने लगे, खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े और आगे बढ़ने लगे। कुछ परेशानियां लगातार मिलती रहीं, लेकिन अपने कार्य में रम चुके महेश ने ठान लिया था कि वो आगे बढ़ेंगे और इन्होंने सफलता पाई। महेश की खास बात यह है कि ये लगातार कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन पर खेती बाड़ी करते हैं। फिर हम अपना पढ़ाई छोड़ के भाई दोनों का पढ़ाई में ध्यान किए। फिर हम लोग ये गांव में जैसे खेती करते हैं, ये पुराना तरीका से रासायनिक विधि से ही करते थे। उस समय टमाटर लगाते थे, मटर गोभी सब लगाते थे, तो हम लोग को उतना आमदनी नहीं मिलता था, क्योंकि हमको समय का कोई वैल्यू नहीं था। हम ऑफ सीजन में निकाल लेते थे, हर कोई सब्जी जो सस्ता में निकालते थे उसी टाइम हम भी निकाल लेते थे, तो उतना मुनाफा नहीं दिखता था। बाद में धीरे धीरे करके प्रशिक्षण की जगन्नाथपुर केवीके गए, वहाँ प्रशिक्षण होता है जैसे गर्मी में भिंडी का खेती कैसे किया जाता है, वहाँ पे वो सब भी सीख लिए। तो हम ज़्यादातर गर्मी वाला खेती का पूरा ध्यान देते हैं आजकल, और जैविक विधि से कैसा खेती होता है वो पूरा जानकारी मिल गया मेरे को केवीके से। और जो भी सहयोग होता है जैसे कीटनाशक लेके कुछ कुछ जितना भी दवाई के बारे में हम सर लोग से पूछ लेते हैं केवीके जाके, नहीं तो फोन से संपर्क कर लेते हैं। महेश ने मशरूम के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया। महेश आज तक नस्ल के मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती के लिए इन्होंने कई प्रशिक्षण लिए। मशरूम जैसे पुआल कुट्टी कटवा लेते हैं लेबर लगा के कुट्टी कटवा लेते हैं। अब ये वाला मेरा वो ऑयस्टर मशरूम आपका अक्टूबर महीना से चल जाता है मार्च लास्ट तक चल जाता है। तो कुट्टी एकदम फ्रेश वाला हम लोग कटवा लेते हैं लेबर लगा के, फिर इसको 24-12 घंटा पानी हौजा में हम पुआल को भिंगा लेते हैं। फिर दूसरा दिन इसको पानी में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेट नहीं, 10 या 15 मिनट तक हम लोग उबलावा पानी में गर्म कर लेते हैं। फिर निकाल के छाँव में थोड़ा सा सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने डेली पैकिंग करते हैं, डेली 20 टू बना लेते हैं, डेली 20 टू करके बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हम मंगाए थे 140 बीज मंगाए थे, उसको तैयार किए, फिर वो ख़त्म जैसा हुआ फिर तुरंत मंगा लेते, तो कंटिन्यू मेरा मार्च तक चलेगा ये वाला भी ऑयस्टर मशरूम का खेती। महेश ने मशरूम के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। ये मशरूम की पैकिंग करते हैं और उसे बड़े बाजारों में भेजते हैं। आज इनका लाभ 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आज हमारे साथ हैं ICAR प्लांडू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जियों में जीवाणु खाद एवं बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों जोहार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब्जियों में अगर जीवाणु खाद की बात करें तो उसका प्रयोग कितना लाभकारी होगा और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, खास करके झारखंड परिवेश में हम बात करें सब्जियों की खेती में, और अभी के समय में जो हमारी कृषि में लागत अधिक लग रही है, तो उसमें हमें अगर हम जीवाणु खादों का इस्तेमाल करते हैं या जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या है कि हमारी सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी लागत भी जो है वो कम लगेगी, और साथ में साथ क्या है कि हमारी यह टिकाऊ कृषि की ओर, हमारी जो भूमि है उसमें हम जो अत्यधिक रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाओं वगैरह का हम प्रयोग करते आए हैं, इससे हमारी मिट्टी और वातावरण दोनों दूषित होती आई हैं और हमारे शरीर पे भी, मानव शरीर पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ में जो इसके अवशेष जो हमारे पशुएं खाती हैं तो उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो जैविक कृषि हम करें या सब्जियों की खेती करें तो इससे हमें क्या है कि हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा, जो हमारी उत्पाद होती है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी, उसके बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे, जो अभी हमारी देश में या विदेशों में मांगे इसकी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से देखें तो हमारे लिए जैविक कृषि की जो खेती की जो हमारी पद्धति है वो बहुत ही अधिक लाभदायक है, खास करके झारखंड के प्रदेश में जहाँ की किसान हमारे छोटे छोटे मझोले किसान हैं और चूँकि लागत इसमें कम लगती है तो वो सभी किसान जो हैं इसको अपना सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है, तो जीवाणु खाद अगर हम डालेंगे किसान भाई जी, तो कैसे डालें, किस समय डालें
और कितनी मात्रा होनी चाहिए, और जीवाणु खाद क्या है, वो खुद भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, खास करके जब हम जीवाणु खाद की बात करते हैं तो यह आपके ऑलरेडी आपके घरों में उपलब्ध रहती है इसकी व्यवस्था। खास करके जैसे हम जैविक खादों की बात करें तो एक तो होता है हमारी कार्बनिक खाद, जैविक खाद, जैसे कि आप गौ पालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं तो उससे जो आपकी गोबर आती है, उससे जो सरीवी गोबर की खाद बनती है, तो यह भी आपके लिए एक जैविक कार्बनिक खाद ही है, जिसमें कि आप इसको अपने खेत जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हम जैसे कि अगर आप सरीवी गोबर की खाद आप खेतों में डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा कम से कम आप जो है 15 से 20 अगर आप टन प्रति हेक्टेयर अपने खेतों में डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि यह डालने से आपके जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि जो हमारी जो आप पौधे आप लगाते हैं खेतों में तो जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, सिंचाई का अंतराल भी आपका बढ़ जाता है, और उसमें और जो माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं पौधे के, तो वहाँ पे आपको यह जो पोषक तत्व हैं पौधों के लिए बहुत स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि जैसे आप एक टन अगर आप सरीवी गोबर की खाद डालते हैं इसमें कम से कम आपका जो है 5 से 6 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, 2 से 3 किलोग्राम फॉस्फोरस रहती है, और 5 से 6 केजी जो है वो आपकी फॉस्फोरस की मात्रा रहती है। इसी तरीके से आप जैसे और जैविक खाद की हम बात करें, जैसे हमारे फसल होते हैं जैसे दलहनी, जैसे हमारी तिलहनी फसल होती है, जैसे नीम की खली हो गई या करंज की खली हो गई या मूंगफली खली हो गई, तो इसका जो आप अपने अगर खेतों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यह भी बहुत अच्छी होती है। इसमें जैसे आप एक टन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसमें कम से कम आपको 35 से 70 किलो जो है नाइट्रोजन मिल जाता है, करीब 8 से 12 किलो फॉस्फोरस मिल जाता है, 15 से 20 किलो पोटाश मिल जाता है। इसी तरह से मुर्गी के आप या फिर जो आप केचुआ खाद तैयार करते हैं तो यह भी बहुत अच्छी उपयोगी आपकी जैविक खाद है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे कि 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप खेत की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो उसमें आप यह डाल दें, इस तरह से क्या होती है कि मिट्टी की संरचना भी अच्छी हो जाती है, और जैसे मैंने कहा कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप अगर जैविक खादों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी। बिल्कुल, ये तो सर आपने जीवाणु खाद की बात बताई, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बायो इंसेक्टिसाइड एक क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं? किसान भाई खास करके जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवाणु हमारे खाद होते हैं, वैसे ही हमारे जैविक कीटनाशी और फफूंदनाशी हमारे पास प्राकृतिक वनस्पतिक तौर पर भी उपलब्ध होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्राइकोडर्मा का नाम, तो ट्राइकोडर्मा से जो है ये हम इसको क्या करते हैं कि आपको जैसे कि बीज उपचारित करना होता है तो करीब इसकी जो है हम सब 500 ग्राम आधा किलो की मात्रा लेते हैं, और इसमें जैसे कि 2.5 किलो जो है आप गुड़ की मात्रा और 1 लीटर पानी की आप घोल बना लें, उसमें हम बीज को उपचारित करते हैं, और बीज को उपचारित करने के बाद जो है ये हम छायादार जगह पे करीब आधे घंटे रख देते हैं ताकि इसकी पूरी परत बीज के ऊपर चढ़ जाती है, और उसके बाद हम इसकी बुआई करते हैं। तो यह भी बीज इसमें जो भी फफूंद नाशक के का कार्य करती है, जो आप बीज जब आप रासायनिक में जाते हैं तो वहीं आप जैसे बेबिस्टिन यूज़ करते हैं या आप कैप्टन या थायरम यूज़ करते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जैविक कृषि में आपके पास ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो इसे आप कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे कि आपने कहा कि इसमें ट्राइकोग्रामा भी आती है, तो ट्राइकोग्रामा भी जो है उसके जो है परजीवी के अंडे को नष्ट करती है तो उसको भी हम सब इसमें इस्तेमाल करते हैं। साथ में जैसे कि जड़ उपचारित करना हो तो जड़ उपचारित करने के लिए भी हम उसको जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे कि 1 केजी है जो आप उसको इसमें 15 से 20 लीटर पानी में घोल बना करके, और जो भी हमारी सब्जियां होती हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, तो इनके बीजों का जो हम उपचार कर लेते हैं तो इससे भी क्या होती है हमारी जो मिट्टी जनक जो हमारी रोगें होती हैं फफूंद नाशक जैसे आद्रगलन की बीमारी होती है तो यह सब होने की संभावना किसान भाइयों नहीं रहती है। तो यह भी बहुत अच्छी तरकीब है, और साथ में इसको हम क्या करते हैं कि हम मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो जैसे ट्राइकोडर्मा है तो आप इसकी जो मात्रा है जैसे 1 केजी की मात्रा है तो इसमें आप जो है वो आपका जैसे कि गोबर की खाद होती है 50 किलो गोबर की खाद ले लें, 50 किलो मिट्टी लें, इसको तीनों का संपूर्ण मिक्सचर बना लें और इसको आप अपने खेतों में अंतिम जुताई जब करते हैं तो उसके बाद आप इसको डाल दें। इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी भी चार्ज हो जाती है, मतलब यह जीवाणु जो है वो हमारे पौधों के लिए और हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी उपजाऊ के लिए कारक होती है, और इससे क्या होती है कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और साथ में जैसे कि मैं बताऊँ आपको जैसे कि यह तो तरीके हैं, साथ में जैसे कि हरी खाद भी आती है जो आप किसान भाई जैसे हमारी ढैंचा है
या हमारी वो सेंजी है या बरसीम है या काउपी है, बोदी है, तो इसको भी हम सब क्या करते हैं कि खेतों में बरसात के दिनों में हम खेतों की तैयारी जब हम करते हैं तो इसको हम छींट देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। और यह 30 से 40 दिन बाद जो है इसको हम जब ये घुटने के ऊंचाई की होती है तो हम खेतों में ही इसको हम प्लाउ डाउन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इस जैविक विधि से जो है हमारी काफ़ी हमारी सुदृढ़ होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसके हमारे उत्पाद होते हैं जो मैंने आपको बताया, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसकी बाज़ार में भाव ज़्यादा मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इस तरह से जैविक कृषि से आप देखेंगे कि आज के समय में हमारे पास बहुत फ़ायदे हैं और अभी इस पर सरकार की भी बहुत जोर है। कई तरह की अभी योजनाएं जैविक कृषि पे चल रही है तो इससे भी किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल अजय सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन सब खादों का अगर प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई तो हम सावधानियां क्या बरतें, कैसे मतलब किसान भाई जब अपने खेत में डाल रहे होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें? किसान भाइयों, खास करके जब आप जैविक कृषि की तरफ आप आगे बढ़े हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि जो इसकी प्रक्रिया होती है तो उसमें आप सावधानी बरतें। जैसे कि आप इसकी जब आप जैविक कृषि तैयार कर रहे हो, जैसे आप बीज उपचार कर रहे होते हैं तो इसमें जैसे कि आपने बीज उपचारित जैसे आपने कर दिया तो इसको फिर जैसे कि धूप में ना रखें, इसको आप छायादार जगह में सुखाएं ताकि जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उस पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। और ख़ास करके जब आप जैविक कृषि की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आप यह सावधानी रखें कि जब आप जैविक उत्पाद की जब प्रमाणीकरण करने जाएंगे तो उसमें क्या है, किसी तरह का आप धोखे से भी किसी तरह का आप रासायनिक, चाहे वो कीटनाशी दवा हो, चाहे फफूंदनाशी दवा हो या रासायनिक खादें हों, तो इसका इस्तेमाल आप ना करें, नहीं तो आपको जैविक प्रमाणीकरण में आपको दिक्कत आएगी। तो किसान भाई बहन मन, ये बताओ कि ये दुयो जानकारी रोड़े कैसन लग लग, अगर ऐसा जानकारी को रोठिन है या हमारे कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची मकिल, हाँ पिन कोड संख्या जरूर लिखब, ये लिखना बहुत जरूरी है। पिन कोड संख्या है 834001। तो विदा लेकर आगे एगो और जानकारी रोरेमन के देवे के है कि रोरेमन का जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, अगर रोरेमन के छूट गला कोई काम से नहीं देखे पाले तो परेशानी कर बात न खे, रोरेमन अपन सोशल मीडिया में जाए के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला। तो आज रोरेमन इजाज़त दो मकिल, यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक नमस्कार जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।